ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं गाइस इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा गाइस, इसमें आप अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ यूनिक करना चाहते हो तो गाइस आपको मतलब सभी स्टॉक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मतलब गाइस आप पोस्ट वगैरह अगर आप कुछ अपनी तरफ से भी चेंज करके करोगे तो गाइस काफी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आप लोग वैसा भी कर सकते हो। एंड गाइस जो भी मैं इस वीडियो में मतलब जितने पैरेंट पेजेस यूज करूंगा सभी के स्टॉक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको इजीली जाकर वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी का मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार हमारे जो चैनल पे यार 18 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। एंड गाइस आप सभी से ऐसी उम्मीद है कि यार आप लोग 20 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करवा दोगे। तो गाइस आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना तो गाइस 20 के सब्सक्राइबर हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। बाकी गाइस वीडियो को लाइक करके बिना बिल्कुल मत जाना। एंड गाइस नीचे के वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार आपके कमेंट्स पढ़ के यार मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाना भी काफी अच्छा लगता है। प्लीज यार कमेंट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करेंगे। सो उसको इरेज करने के लिए हम गाइस ड्रॉ टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइस जो हमारी फोटो का होता है यहाँ पे कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होती, इसलिए हम ऐसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं, फटाफट से यहाँ से बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आप सभी को फिर इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है? तो मॉडल को हम यहां पे परफेक्ट तरीके से ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहां पे आप सभी को फिर इसके मॉडल के पीछे एक शैडो बनानी है। तो शैडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहां से जाएंगे हम ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम ये ब्लैक शीट ले लेंगे, ठीक है? एंड इसको आप क्या करेंगे, इसको हम फुल स्क्रीन करेंगे। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। एंड ब्रश लेंगे, साइज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद गाइस पीछे की तरफ हम कुछ स्टेप से पेंट करेंगे, ठीक है? जहाँ जहाँ पे गाइस आपको शेडो चाहिए होगी आपको सिंपली वहाँ पे ऐसे पेंट करना है। एंड ऐसे पेंट कर देने के बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको उसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन करना है, एंड ओपेसिटी कम कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप साइज थोड़ा इंक्रीज या जो भी है मतलब साइड में कर सकते हो। सो इसके बाद आपसे को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपसे को सिंपली इसको यहाँ पे डन कर देना है। फिर गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपसे को सिंपली वाला आईफोन एंड ये आईफोन का लोगो दोनों ले लेना है। एंड आपको पहले क्या करेंगे, हम पहले इस लोगो को लगाते हैं यहाँ पे अपने चार्जर के ऊपर। तो सिंपली हम फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ से आप लेंगे इसका आईफोन को, ठीक है? एंड उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। एंड उसके बाद हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद अपने फिंगर्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे फिंगर्स हैं। फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इसकी हार्डनेस को फुल कर देंगे, साइज को इंक्रीज करके। एंड उसको जिस टाइप से जो है हम इसको यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे तो यहाँ पे हार्डनेस हम थोड़ा फुल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे परफेक्ट है, अब यहाँ पे हम फटाफट इसको रिलीज कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने आईफोन को भी एकदम परफेक्ट तरीके से लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं रहता है, तो अब इसको हम यहाँ पे परफेक्ट तरीके से एकदम डन कर देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपसे को क्या करना है, आपसे को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस जहाँ से जो मतलब के पीछे जो पेट के ऊपर जो हमें टांके लगाने जहाँ पे हमारी किडनी होती है, तो वहाँ पे इसके लिए आपको गाइस ये वाला पीएनजी लेना है। एंड इसको गाइस आपको जूम करके कुछ स्टेप से स्क्रीन को ऐसे करके लगाना है। एंड यहाँ पे आपको उसका डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट करके गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है थर्ड वाला। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप से रख देना है। देन गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से जो बैंडेज का पीएनजी आपको सिंपली को लेना है, ठीक है? यहाँ पे हम ऐड करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद गाइस आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए हो आपको सिंपली वहाँ पे इसको फटाफट से लगा लेना है। तो मैं इसको फटाफट लगाता हूँ। सो गाइस उसके बाद आपसे फिर करना है गाइस, आपको बैंडेज के नीचे शेडो बनानी, तो आपको शेडो का ऑप्शन जो है पिक्सआर्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको शेडो वाला ऑप्शन को ओपन कर देना है। एंड उसके बाद आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन में जाके आप सबको इसको यहाँ पे मैनेज कर देना है, ठीक है? तो उसको मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को ओपेसिटी वगैरह जो भी आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, एंड अपने हिसाब से आपको रख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इतना रखते हैं। अब उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आपसे को सिंपली इसका डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट को गाइस कुछ स्टेप्स आपको दूसरे वाले उस जगह पे लगा देना है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो पहले फोटो को मैं जूम कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे कुछ स्टेप से। एंड यहाँ पे गाइस ये परफेक्ट है, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद उसको फिर क्या करना है, अब यहाँ से आपसे को इसको डन कर देना है। तो इसको हम यहाँ से परफेक्ट तरीके से डन कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे बैकग्राउंड पेजेस जो भी थे हमारे लग चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं।
एंड सेव करके हम इसको ले चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में ले जाने के बाद आपको सिंपली जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है, हाईलाइट जो होगा इसको थोड़ा कम कर देना है, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो नीचे ब्लैक है आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन इसको बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर को उसको थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना कलर मिक्स में, और जो कलर को सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर आपसे क्या करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, एंड इसका जो है सैचुरेशन आप माइनस कर सकते हो। उसके बाद आपको पर्पल कलर में जाकर इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, फिर डन कर देना है। फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो फोटो विग्नेट है हल्का सा डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, नीचे मिलेगा आपको नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सबके सामने तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।